ओके okay, आपने एनिमल्स आपके आसपास होते हैं एनिमल्स कुछ ने घर पे पाले हुए है, पैट, पैट एनिमल्स होते हैं और कुछ जंगल में रहते हैं ठीक है तो वो एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं यूजफुल होते हैं आज हम उनके बारे में रीड करेंगे ओके लेट्स रीड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ओके वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल सम लिव इन आर होम्स एंड सम लिव इन फॉरेस्ट ओके डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हमारे आस पास होते हैं कुछ बड़े होते हैं और कुछ स्मॉल होते हैं सम लिव इन आवर होम्स कुछ हमारे घर में रहते हैं एंड सम लिव इन फॉरेस्ट कुछ जंगल में रहते हैं ओके एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स डैट लिव इन आवर होम्स आर कॉल पेड एनिमल्स ठीक है एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घर पर रहते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा पेट एनिमल्स जिन्हें हिंदी में हम क्या बोलते हैं पालतू जानवर ठीक है जिन्हें हम पालते हैं वो होते हैं पेट एनिमल्स ये देखिए बेटा लुक एट हियर ये है पेट एनिमल्स आपको कौन सी पिक्चर नजर आ रही है ये कौन सा एनिमल है कैट ओके यस डॉग आप डॉग को भी कई लोग रखते हैं ना घर पे Yes. डॉग भी एक पेट एनिमल है डॉग इज अ पेट एनिमल rabbit, okay ओके हॉर्स ओके स्टूडेंट हॉर्स इज ऑल्सो अट एनिमल ओके नाउ सम्स लिव ऑन फार्म कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फार्म पे रखते हैं हम ठीक है and are useful to us, और वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं किसी ना किसी तरीके से ओके दे आर यूजफुल टू अस दे आर called फार्म एनिमल्स उन्हें क्या कहते हैं हम फार्म एनिमल्स ओके स्टूडेंट्स फार्म एनिमल्स देखिए जरा आपको यस गोट यस गोट इज अ फार्म एनिमल्स गोट हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है यूजफुल होती है गोट से हमें क्या मिलता है मिल्क ओके नाओ हैन हैन का तो आपको पता है क्या यूजफुल होता हैन इज अ वेरी यूजफुल एनिमल ओके हैंड गिवस एस एग शिप शिप गिवस एस वुल का काउ गिव्स एस मिल्क ओके काओ हमें दूध देती है ना बेटा यस नाओ पेट एंड फार्म एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल इन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल भी कहते हैं डोमेस्टिक होते हैं घरेलू जो हमारे घरों में होते हैं और जो हमारे लिए किसी न किसी तरह हेल्पफुल होते हैं हमें किसी न किसी तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं यूजफुल होते हैं ठीक है ओके yes डोमेस्टिक एनिमल these एनिमल लाइक like cows बफलोस एंड हॉर्सेस डिपेंड्स ऑन their मास्टर्स फॉर फूड एंड शेल्टर ये सब एनिमल्स जो होते हैं ये अपनी नीड के लिए अपने फूड के लिए अपने मालिक मास्टर पर डिपेंड होते हैं अगर मान लो मैंने कोई एनिमल घर पे रखा हुआ है तो वो मेरे पर डिपेंड है कि मैं उसे खाना देती हूँ कि नहीं देती हूँ कब देती हूँ और शेल्टर उन्हें रहने के लिए कैसे जगह दे रही हूं तो वो मुझ पर डिपेंड है ओके okay? ये देखिए डोमेस्टिक एनिमल काओ काओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल ओके डक हॉर्स शेप ओके ये सारे क्या है बेटा डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एनिमल देयर आर एनिमल्स डेट लिव इन फॉरेस्ट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल उन्हें क्या कहते हैं बेटा जंगली जानवर ओके लॉयस टाइगर्स बियर्स एंड वॉल्स आर वाइल्ड एनिमल्स ये सब क्या है बेटा वाइल्ड एनिमल्स हैं ओके ये देखिए वाइल्ड एनिमल्स के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ पांडा टाइगर गोरिल्ला एलिफेंट ओके ये सब क्या है बेटा वाइल्ड एनिमल्स क्लियर हो गया बेटा आपको ओके नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर 154 फिफ्टी फोर एनिमल सराउंडिंग एनिमल सराउंडिंग्स सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड आपको ये तो पता ही है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं सम लिव इन वाटर कुछ पानी में रहते हैं एंड सम फ्लाई इन द एयर और कुछ हवा में उड़ते हैं एनिमल्स लाइक डॉग्स, हॉर्सेस एंड टाइगर्स लिव ऑन लैंड और लैंड पे कौन कौन से एनिमल रहते हैं काओ डॉग्स, हॉर्सेस एंड टाइगर्स ऑन लैंड ओके बर्ड्स हैव विंग्स बर्ड्स के पंख होते हैं ना बेटा ये देखो बर्ड्स के पंख होते हैं एंड फेदर्स और इसलिए वो क्या करते हैं देयर फोर दे कैन फ्लाई इन द एयर इसलिए वो हवा में उड़ते हैं बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज एंड ले देयर एग्स देयर बर्ड्स क्या करते हैं रहने के लिए नेस्ट बनाते हैं कहाँ पर पेड़ पर और उसमें फिर अपने एग्स रखते हैं देयर आर सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स एंड इमस डैट कैन नॉट फ्लाई इन द एयर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि पेंगुइन इमस वो आसमान में नहीं उड़ सकते हवा में नहीं उड़ सकते ओके okay? फिश एंड डॉल्फिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे फिश डॉलफिन तो पता ही है वो पानी में रहते हैं हाउ एवर एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स एंड क्रोकोडाइल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रॉक क्रोकोडाइल ये दोनों में ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पे भी रह सकते हैं आप कभी सू पे गए हो जू में आपने देखा है ना क्रोकोडाइल कैसे बाहर भी रहता है पानी से और कुछ क्रोकोडाइल पानी के अंदर होते हैं डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स अब इनकी फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती है फूड हैबिट्स का मतलब होता है बेटा खाने की आदत सम एनिमल्स लाइक शिप एंड डियर ईट प्लांट्स एंड लीव्स ठीक है शिप और डियर क्या खाते हैं बेटा प्लांट्स लीव्स एंड सम एनिमल लाइक लॉयस एंड टाइगर्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल और कुछ एनिमल जैसे लॉयन हो गया टाइगर हो गया फॉक्सिस हो गए ये क्या करते हैं ये दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं ओके सम एनिमल लाइक बियर एंड माइस बियर का मतलब समझते हो ना भालू और माइस चुहिया चूहे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फ्लैश ये दोनों खाते हैं ठीक है थीके? ये प्लांट भी खा लेते हैं और ये एनिमल फ्लैश भी खा लेते खा लेते हैं ठीक है थीके? ओके अब ये नॉलेज की बात है देखो अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को क्या कहते हैं डेजर्ट का जहाज कहते हैं डेजर्ट जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती सूखा होता है इट हैज अ हम्प फर इट स्टोर्स द बॉडी फैट आपने देखा होगा ना कैमल के ऊपर ऐसे एकदम ऊंचा ऊंचा सा बना होता है ऊंट से ऊंट के ऊपर तो वो जो हम्प होता है उसे हम्प बोलते हैं और उसमें वो क्या करके रखते हैं वाटर स्टोर करके रखते हैं अथर्स कैमल कैन ड्रिंक अराउंड 135 लीटर ऑफ वाटर एट वन टाइम एक टाइम में वो इतना पानी पी लेता है 135 लीटर पानी वो पी लेता है एंड कैमल हैव अ स्ट्रॉग सेंस ऑफ हियरिंग और उसके सुनने की जो सेंस होती है वो बहुत तेज होती है यानी बड़ी जल्दी सुनाई देता है उसे ओके okay? आपको क्लियर हो गया बेटा अब आपने सिर्फ यहां तक ओके okay? यस yes, आपने हैबिट्स तक यहाँ तक गुड टू नो कैमल तक आपने यहां तक सब रीड कर लेना है उसके बाद जो एनिमल हॉर्म्स एंड बेबीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके okay? कल हम जूम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे इफ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन आस्क मी ओके आप मुझे जूम क्लास में पूछ सकते हो थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू